नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हलवाई के जैसे बालूशाही बनाने का आसान तरीका बताने जा रही हूँ। प्लीज एक बार मेरे बताए तरीके से आप बालूशाही बनाएं, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल आसान देसी तरीके से घर में उपलब्ध चीजों से रेसिपी बनाना बताऊं। मेरी और भी मिठाई की रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। हाँ, एक बात और, प्लीज मेरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और मुझे कमेंट करें आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज लाती रहूं और जब मेरे वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप बेल बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 8 से 10 बालूशाही बनाने के लिए चाहिए 2 कप मैदा। यहाँ टोटल 500 ग्राम मैदा लिया है, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक, करीब 100 ml रिफाइंड ऑयल, आवश्यकता अनुसार पानी, डीप फ्राई करने के लिए घी या रिफाइंड ऑयल लें, चाशनी बनाने के लिए 250 ग्राम चीनी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 8 से 10 बूंद लेमन जूस लें, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर का यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है, 1/2 गिलास पानी। बालूशाही बनाने के लिए 1 प्लेट में मैदा लें, 500 ग्राम मैदा से 8 से 10 पीस बालूशाही बनकर तैयार होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए यदि अच्छी बालूशाही बनानी है तो। अब इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालें, 1 चुटकी नमक का यूज करें, नमक थोड़ा सा जरूर डालें, इसमें बालूशाही में अच्छा टेस्ट आता है। इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करें धीरे धीरे करके और अच्छे से मिक्स करें। करीब 100 ml रिफाइंड ऑयल यूज किया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके रिफाइंड ऑयल ऐड करें और इसे मिक्स करें। आप इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। इस बात का ध्यान रखें, आटा ताकत लगाकर गूंथते हैं, इसे वैसे मिक्स नहीं करना है। इसे हाथ में इस तरीके से लेकर देखें तो ये हल्का बाइंड हो रहा है, यानी इसमें पर्याप्त मोयन है। मोयन का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी रिफाइंड ऑयल या घी ऐड करते हैं वही मोयन कहलाता है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे। पानी 100 ml आराम से लग जाता है, धीरे धीरे करके ही पानी ऐड करें। जितना यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है उतना पानी भी यूज कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसे मिक्स करें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये अभी छूने में थोड़ा हार्ड है, इस कारण इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। ये छूने में अच्छा सॉफ्ट है, इसे टाइट नहीं गूंथना है, ध्यान रखें आप। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट के लिए रख दें, जब तक चाशनी तैयार करते हैं हम। चाशनी बनाने के लिए अब गैस ऑन कर लिया। अब कढ़ाई में 250 ग्राम चीनी लें, करीब 130 ml पानी या 1/2 गिलास पानी का यूज करें आप, यानी जितना चीनी लिया है उसका 1/2 क्वांटिटी में पानी का यूज करना है चाशनी बनाने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और इसे चम्मच से चलाएं, इस तरीके से इसे चलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रही है चीनी, चाशनी में उबाल आने लगा है। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालें और 8 से 10 बूंद नींबू का रस ऐड करें। नींबू का रस डालने से चाशनी कभी जमती नहीं है। इसके पहले भी चाशनी के हर वीडियो में मैंने आपको लेमन जूस डालने की बात बताई है, ज्यादा भी लेमन जूस ना डालें, नहीं तो चाशनी खट्टी हो जाएगी। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी से भी कम फूड कलर डालें, ये ऑप्शनल है, यदि आपको डालना है तो डालें, अदरवाइज ना डालें। फूड कलर डालने से इसमें अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए यूज कर रहे हैं।
इसे मिक्स कर लें। चाशनी को 1 से 2 मिनट और पकाएं। ये चाशनी बनकर तैयार है। अब गैस ऑफ कर दें, इसे ठंडा होने दें, तब तक बालूशाही बनाते हैं। बालूशाही बनाने के लिए इसे हाथ में लेकर इस तरीके से लंबा करें और इसके पार्टीशन करें। आप जिस साइज के बनाना चाहते हैं बालूशाही वैसे बनाएं। इनके पार्टीशन करके रख लिया है, यहाँ बड़े साइज के बालूशाही बनाएंगे। बालूशाही को सही शेप देने के लिए एक बॉल को दोनों हथेली के बीच में लें और इस तरीके से हल्के हाथ से गोल गोल घुमाएं। ऐसा करने से इसमें लेयर बनती है और बीच में ऐसा होल कर दें। देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से शेप दें आप। बीच में होल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो उस टाइम अच्छे से अंदर तक पक जाए। देखिए आपको अच्छे से बता रही हूँ मैं कि इसे कैसे बनाना है। सही शेप देने के लिए हाथ में लें और इसे ऐसे गोल गोल करिए तो अच्छा लेयर बनता है इसमें। इस तरीके से सभी को बनाकर रख लें और इसमें होल जरूर करें। आपको एक और बनाकर बताती हूँ। इसे हाथ में लेकर मिनिमम 15 से 20 सेकंड जरूर इस तरह गोल गोल घुमाएं, तभी इसमें लेयर बनेगी, अदरवाइज लेयर नहीं बनेगी। ये देखिए अब इसमें होल कर दें, सभी को बनाकर रख लें आप। देखिए इस तरीके से सभी को बनाकर रख लें। अब इन्हें डीप फ्राई करें। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल लें, या आप अकेले रिफाइंड ऑयल से भी डीप फ्राई कर सकते हैं बालूशाही को। टेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, अच्छे बनती है बालूशाही। कढ़ाई को मीडियम या मीडियम स्लो फ्लेम पे ही गर्म करें। इसमें ध्यान रखें गैस को तेज नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देखा, ये ऊपर आ गया, यानी कि कढ़ाई पर्याप्त गर्म हो गई है, ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। इसमें बालूशाही को डाल दें जितना ऑयल में आ जाए, एकदम से ज़्यादा बालूशाही ना डालें, 7 से 8 जितना ऑयल में अच्छे से डिप हो जाए इतना ही डालें। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखें। इसे डीप फ्राई होने में टाइम लगता है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अभी इसे पकने दें। चम्मच या झारे से अभी बिल्कुल भी ना चलाएं। देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है, थोड़ी देर में ये अपने आप ही ऑयल में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फ्रेंड्स आप जरूर घर में बनाकर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सभी बालूशाही ऑयल में ऊपर की तरफ आ गई है। अभी भी इसे चम्मच से नहीं चलाना है जब तक ये हल्की रेड नहीं हो जाती। ये नीचे साइड का पोर्शन हल्का रेडिश हो गया है। अब इसे चमचे से इस तरीके से पलटा दें। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। सभी को बारी बारी से ऐसे पलटा दें। इस तरफ भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से डीप फ्राई होने दें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। इसे आराम से सिकने दें। ये देखिए धीरे धीरे थोड़ा डार्क कलर का होते जा रहा है। इन्हें अच्छे से डीप फ्राई होने दें। इन्हें सेकने में टाइम लगता है, मिनिमम 7 से 8 मिनट में ये सिक पाते हैं अच्छे से। ये देखिए अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा डार्क कलर आया है इनमें। सभी बालूशाही को निकाल लें और इसे चाशनी में डिप कर दें। चाशनी यदि आपकी ज़्यादा ठंडी हो गई है तो हल्का सा गर्म कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म ना करें क्योंकि बालूशाही हमारी गर्म है। बालूशाही के लिए ज़्यादा चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी चाशनी क्योंकि गाढ़ी होती है, जब ये एक तरफ चाशनी में फूल जाएं तो इन्हें पलट दें आप ताकि दूसरी तरफ भी चाशनी में डिप हो जाए अच्छे से। ये देखिए स्पेशल और स्वादिष्ट बालूशाही बनकर तैयार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।